राष्ट्रीय सद्भावना एवं शांति के लिए सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ हमीरपुर जिला कांग्रेस ने भी एक दिन का सामूहिक उपवास रखा। हमीरपुर गांधी चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर की अगुवाई में सामूहिक उपवास रखा गया, जिसमें बड़सर विधायक आईडी लखनपाल, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, सुनील शर्मा, विवेक कटोर, सुमन भारती सहित काफी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के दिशा निर्देशों के अनुसार आज सामूहिक उपवास रखा गया है। इसका मुख्य कारण 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार किया गया है, इसके विरोध में कांग्रेस आज सामूहिक उपवास रखकर विरोध जता रही है। सामूहिक जिला कांग्रेस कमेटी ने उपवास रखा है, ये एक राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष हैं माननीय श्री राहुल गांधी जी, उनके दिशा निर्देशानुसार और प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सिंह सुखू जी के दिशानुसार पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय के ऊपर इस का उपवास पूरे देश में उपवास रखा गया है। और इसका मुख्य कारण क्योंकि 2 अप्रैल को जिस तरह से पूरे भारत बंद था और जो हमारे अनुसूचित जो लोग हैं उनके ऊपर जिस तरह से अत्याचार किया गया उनके भारत बंद के उपलक्ष्य में, और कितने ही लोगों की उसमें उस हादसे में के शिकार हो गए, उनकी शांति के लिए और इस देश में जो आज की जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जिस तरह से उन्होंने माहौल बना रखा है, आज हम सद्भावना के रूप में उपवास रख रहे हैं और एक देश में शांति बनाए रखने के लिए आज जिला कांग्रेस कमेटी ने जो है वो पूरे भारतवर्ष में हर मुख्यालय के ऊपर इस उपवास का आयोजन किया गया है। वहीं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि सामूहिक उपवास के माध्यम से दलितों पर हुए अत्याचार के विरोध में कांग्रेस उपवास पर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने मनमाने ढंग से दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। और पूरे देश में रखा गया है, जब से ये भाजपा सरकार सत्ता में आई है उस दिन से आज दिन तक यहाँ की जो फासिस्ट ताकतें हैं जातिवाद के धर्म पे कार्य किया जा रहा है, जिसके जो दो तरीकों जो जिस तरह दलितों के ऊपर जिन्होंने जो अपने बंद का आह्वान किया है, जिस तरह से उनके लोगों को मारा गया है और जो आज शहीद हुए हैं, उनके उपलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा दलितों के लिए काम करती रही है। और आज से नहीं, जब से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तब से हम दलितों के उत्थान के लिए कार्य करते रहे हैं। हमने उसको उस सद्भावना को उसको प्यार को और एकता को देश की खंडन ना हो इसलिए आज जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है, उसके ऊपर हम भी जिला हमीरपुर में उसके आह्वान पे बैठे हैं ताकि देश में ये सांप्रदायिक ताकतें और फासिस्ट लोग जो हैं वो इस देश में सत्ता में ना रहें।